गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग के ट्रेलर में दिखे कुछ घटनाओं को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें गॉडजिला वर्सेस सीमो तथा कॉन्ग वर्सेस कार्किंग की फाइट देखने को मिलने वाली है। हालांकि अंतिम मुकाबले में गॉडजिला और कॉन्ग का साथ देने खुद क्वीन मोथरा आएगी, तब जाकर शायद सीमो एवं कार्किंग को हराना पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही विलन्स मॉन्स्टर वर्स की किसी भी एंटागोनिस्ट कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल और अनोखी शक्तियों के मालिक है। यहाँ तक कि दोनों के विरुद्ध अकेला गॉडजिला या कॉन्ग भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। पर क्या हो अगर ये बैटल वन वर्सेस वन की हो? खैर, इस पर गॉडजिला वर्सेस सीमो की बैटल पर एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या स्कार किंग के विरुद्ध कॉन्ग का सातिर दिमाग, उसकी ताकत या उसको मिला नया ग्लोव्स काम आ पाएगा। क्या स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग के बैटल में कॉन्ग जीत पाएगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और 2000 लाइक के टारगेट को पूरा कर ही दे। सबसे पहले बात करें कॉन्ग की, तो ये एक प्री हिस्ट्रिक सीमियन सुपर स्पीसीज का सदस्य है, जिसका एवोल्यूशन होलो अर्थ यानी धरती के सरफेस के नीचे एक ऐसे स्थल पर हुआ है जहाँ के वातावरण में सिर्फ ऐसे जीवों का विचरण है जिसकी काया किसी को भी चौंका दे। विशाल आकार के होने के साथ साथ ये जिस जगह रहते हैं वहाँ के सभी सदस्यों में इतनी ताकत पाई जाती है, जो एक बार इस धरती पर आ जाए तो तबाही आना निश्चित है। खैर, कॉन्ग का जन्म भले ही होलो अर्थ पर हुआ था, पर इसका विकास एक ऐसे आइलैंड में हुआ जहाँ पर राज कुछ ऐसे खूंखार छिपकलियों का था जिनके दल ने मिलकर कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। पर किसी तरह कॉन्ग की जान बच गई और वो उसी आइलैंड में रहकर कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक ऐसे मॉन्स्टर में तब्दील हुआ जिसकी पूजा न सिर्फ वहाँ के रहने वाले ट्राइब्स किया करते हैं, बल्कि मानो पूरा आइलैंड कॉन्ग के इशारों पर झुकता है। पर अब कॉन्ग होलो अर्थ में आ चुका है। पहले के मुकाबले ये कई गुना विशाल तथा ताकतवर बन चुका है। हालांकि सीमो से बैटल के दौरान हो सकता है कि इसकी एक्स बर्बाद हो गई हो, पर अब कॉन्ग को इंसानों द्वारा दी गई एक भेंट मिली है जिसे बीस्ट ग्लोव्स नाम दिया गया है, और इस पीले गॉन्टलेट में इतनी ताकत है कि ये विशाल इमारतों को भी पल भर में ध्वस्त कर दे। साथ ही 337 फीट ऊंचा, 50,000 टन से भी ज्यादा भारी होने के कारण ये फिजिकली एक पर्वत समान जायंट है। वहीं दूसरी तरफ होलो अर्थ में ही रहने वाला एक अल्फा टाइटन, जो कि दिखने में भले ही कोई बूढ़ा ओरंगटैन की तरह लगे, पर ये वो कारक है जिसके कारण कई कॉन्ग्स के दल को होलो अर्थ छोड़ स्कल आयरन भागना पड़ा। हम बात कर रहे हैं स्कार किंग की। अब जैसा कि इसका नाम बताता है कि ये एक किंग है, इसलिए दूसरों पर हुक्म चलाना और उन पर राज करना यही इसका सोल पर्पस है, और इस उद्देश्य को कायम रखने के लिए ये पूरी दुनिया पलट सकता है। गॉडजिला से भी फिजिकली थोड़ा ऊंचा, लगभग 400 फीट का ये दानव अपने से भी विशाल टाइटन को कंट्रोल करता है, वो भी उस टाइटन को जिसने टाइटन्स को जन्म दिया। ऐसे में आप स्कार किंग की पोटेंशियल को समझ सकते हो। यहाँ तक कि होलो अर्थ में रहने वाले कॉन्ग की बाकी स्पीसीज तो इसके गुलाम है, इसलिए एक क्या कई कॉन्ग मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पर स्कल आइलैंड में पला कॉन्ग अपने स्पीसीज का सबसे खास प्राणी है, क्योंकि ये अपने बाकी सदस्यों से बड़ा ताकतवर और अकलमंद है। इसी वजह से इसके पेरेंट्स को मारने वाले स्कल क्रॉलर को इसने मौत के घाट उतार दिया। पर क्या ये स्कार किंग को गद्दी से उतार कर अपनी जन्मभूमि को आजाद करा पाएगा? क्योंकि बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कॉन्ग की हिम्मत और निडरता इसे एक असल मायने में बीस्ट बनाती है। इसी वजह से अपने से भी ताकतवर गॉडजिला, स्कल क्रॉलर के झुंड, बर्फ उगलता शीमो या खुद स्कार से ये दो हाथ करने में अपने कदम कभी नहीं पीछे हटाएं। पर्वत समान विशाल कॉन्ग जितना निडर है उतनी इसकी ताकत भी है। यही वजह है कि स्कल आइलैंड में रहते हुए इसने विशालकाय पेड़ों को किसी हथियार का शक्ल देते हुए उसे मीलों दूर फेंक दिया था। इसके आइलैंड में आए हेलीकॉप्टर्स को इसने कुछ ही क्षणों में बर्बाद कर दिया। कॉन्ग के रहते हुए स्कल क्रॉलर की पूरी झुंड भी शिकार करने से परहेज किया करते थे, क्योंकि अगर ये कॉन्ग के नजर में आ जाए तो ये उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा करते थे, यहाँ तक कि उनके जबड़ों को खोलकर उसकी जीभ को खींच निकालते थे। खैर, ये तो एक यंग कॉन्ग की ताकत थी, लेकिन GXK का कॉन्ग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यही वजह है कि इसने विशाल वॉरबेट्स को अपने हाथों से ही कुचल दिया, लाख टन वाले गॉडजिला को भी टक्कर देकर उसे अपनी प्रेजेंस के बारे में बताया, और GXK में तो इसने अपने एक ही घोसे से स्कार किंग के एक दांत निकाल दिए। खैर, कॉन्ग बिना अनोखी शक्तियों के भी गॉडजिला को पहले ही चौंका चुका है।
पर अब तो कॉन्ग के हाथों में बीस्ट ग्लोव आ चुकी है जो हॉलो अर्थ में मौजूद एनर्जी को सोख कर चार्ज होती है और इसका इम्पैक्ट बड़ा ही जबरदस्त होता है। वैसे कॉन्ग के हाथों में कुछ न भी हो तब ये किसी भी चीजों को हथियार बनाना जानता है और सिर्फ एक कुल्हाड़ी मिलने मात्र से ही इसने गॉडज़िला को भी तारे दिखाए थे। ऐसे में ये गॉन्टलेट लग जाने के बाद तो स्कार किंग के साथ ये क्या ही कर सकता है। कॉन्ग शक्तिशाली तो है ही पर इसकी रीजनिंग पावर और इंटेलिजेंस इसे सबसे खास बनाती है। यही वजह है कि इंसानों के साथ मिलकर काम कैसे किया जाए इसके अलावा बाकी किसी भी मॉन्स्टर को ये नहीं आता। ये अपनी बल तथा बुद्धि का प्रयोग करके कैसे भी हालातों से बाहर निकल चुका है। पर क्या स्कार किंग के खिलाफ इसकी बुद्धि इसे स्कार नामक खतरे से बचा पाएगी? क्योंकि बात करें स्कार किंग के ताकत की तो इसकी ताकत की डर ने ही किसी भी जीवों में इतनी हिम्मत उत्पन्न नहीं होने दी कि कोई इसे चुनौती भी दे पाए। फिजिकली ये कॉन्ग जितना बल्कि भले ही ना हो पर उससे कहीं अधिक विशाल और अजाइल है। इसके हाथ भी काफी लंबे और ज्यादा फंक्शनल है। यही वजह है कि इसने अपने जीवन में किसी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हारा। जिस तरह कॉन्ग किसी भी चीजों को हथियार का शक्ल दे देता है वहीं स्कार की पसंद इस मामले में थोड़ी अलग है क्योंकि इसके हाथों में हमेशा एक हथियार नजर आती है, द व्हिप स्लैश, जो कि किसी मॉन्स्टर के स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई है। और चूंकि ये होलो अर्थ के एनर्जी को भी किसी तरह कंट्रोल करना जानता है इसी वजह से इस व्हिप स्लैश में इतनी ताकत है कि इसने सिर्फ कॉन्ग के हाथ को पल भर में घायल कर दिया। यहाँ तक कि इसने अपने इस हथियार को किसी बड़ी इमारत में लपेट कर उस इमारत के दो टुकड़े कर दिए। इसकी बुद्धि की तुलना अगर कॉन्ग से करे तब कॉन्ग इससे पीछे ही दिखलाई पड़ता है क्योंकि एक पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड को रूल करना, पूरी स्पीसीज को अपना गुलाम बनाए रखना, ये एक कुशाग्र बुद्धि की निशानी है। इसे भी चीजों से हथियार बनाना आता है लेकिन इन सबसे अलग इसमें कुछ खास शक्तियां भी है जिसे हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि इसके आंखों का रंग शक्तियों को इस्तेमाल करते वक्त बदल जाता है और ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट को उत्पन्न कर सकता है जिसके चपेट में आने वाले जीवों का सत्यानाश हो जाता होगा। पर इस बिजली वाले शक्तियों के अलावा इसे होलो अर्थ के ऊर्जा के असीमित भंडार को इस्तेमाल करना आता है और शायद ये किसी को भी अपने वश में भी कर सकता है, वरना इतना ताकतवर सीमो को ये बैटल में हरा कर तो कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर ये हिप्नोटाइज न करके सच में सीमो को बैटल में हरा कर अपना गुलाम बनाया होगा तो इसकी ताकत के आगे कॉन्ग तो क्या गॉडज़िला भी कुछ नहीं। लेकिन कॉन्ग के साथ बैटल के सिनेरियो में क्या कॉन्ग का स्पेशल गॉन्टलेट उसे स्कार किंग के खिलाफ बचा सकती है? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉन्ग का बीस्ट गॉन्टलेट ऊर्जा को सोख सकता है और स्टोर्ड एनर्जी को एनर्जी पंच में तब्दील कर सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर स्कार किंग अपने बिजली अटैक से कॉन्ग को मारना चाहेगा तो काफी हद तक उम्मीद है कि कॉन्ग उसे एब्जॉर्ब करके स्कार किंग को ही उसकी एनर्जी से उसे मारेगा। पर स्कार किंग काफी चालाक और धूर्त है, ये बैटल को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्कार का प्रमुख हथियार व्हिप स्लैश एक बेहद ही घातक हथियार है और इससे कॉन्ग को घाव दिया जा सकता है जिसका सबूत हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा फिजिकली भी स्कार कुछ हद तक कॉन्ग से आगे है। स्कार को बैटल लड़ने का काफी उम्र तक एक्सपीरियंस है, इसके आर्म्स ज्यादा फंक्शनल है और तो और इसके पास कॉन्ग से भी हर मामले में ज्यादा एबिलिटीज है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कॉन्ग इसे अकेले तो कभी नहीं हरा सकता, पर क्या अकेला गॉडज़िला स्कार किंग को हरा सकता है? जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।